नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शिल्पी और मेरे किचन में आपका स्वागत है। अगर आपको ये स्नैक्स की रेसिपी पसंद आती है तो ज़रूर लाइक करें और कमेंट करना ना भूलिएगा कि रेसिपी कैसी लगी है आपको। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं इस रेसिपी को बनाना। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें अच्छी अच्छी रेसिपी देखने के लिए और बेल बटन जरूर दबाएँ, हमेशा नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। मैंने यहाँ एक पैन लिया है और उसमें 2 छोटी चम्मच हमने तेल डाल लिया है, तो तेल भी अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। और यहाँ पर हमने 1/4 जीरा लिया है यानी क्यूमिन सीड्स, उसे भी डाल देते हैं और इसे अच्छी तरह से हम चटकने देते हैं। जब ये चटक जाए तो इसमें हम बारीक कटा हुआ प्याज डाल देते हैं, साथ में हम यहाँ पे बारीक कटा हुआ गाजर डाल देते हैं, साथ में बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च और साथ में यहाँ पे बारीक कटा हुआ बंद गोभी डाला है हमने। आप इसमें मनपसंद सब्जियाँ भी ऐड कर सकते हो, जैसे मटर या बीन्स भी ऐड कर सकते हो। अब इन सभी को अच्छे से हम मिक्स करके थोड़ा सा सॉटे कर लेते हैं। सब तो अच्छी तरह से भून गया है। अब यहाँ पे हम सूजी डाल लेते हैं, तो हमने यहाँ 1/2 कप सूजी लिया है तो इसे भी डाल लेते हैं और इसमें हम मिक्स कर लेते हैं। तो इसे भी हम हल्के सा रोस्ट कर लेते हैं सूजी को इसमें। तो गैस का फ्लेम हमने मीडियम ही रखा है, ज़्यादा तेज़ नहीं करना तो सूजी हमारी जल सकती है। तो इसे हम हल्का भून लेते हैं 1 मिनट के लिए सूजी को। नमक डाल देते हैं और इसे हम मिक्स कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल देते हैं। मैं हरी मिर्च शुरू में डालना भूल गई थी तो अभी डाल दें। और साथ में यहाँ पे हम कद्दूकस किया हुआ अदरक लहसुन डालेंगे, नहीं तो आप अदरक लहसुन का पेस्ट भी यहाँ पे डाल सकते हो। अब इन सभी को हल्का सा हम मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद यहाँ पे हम लगभग 1.5 कप पानी डाल देते हैं। आप सोच रहे हो कि मैंने इस समय स्टेज पे ही लहसुन अदरक का पेस्ट और हरी मिर्च क्यों डाला है, तो मैं यहाँ पे बच्चों के लिए ही डाली हूँ कि पहले अगर हम हरी मिर्च डाल देते हैं तो ज़्यादा तीखापन ले लेता है और तीखा लगता है, इसलिए डाला है। अब साथ में यहाँ पे हमने 1/2 टीस्पून बटर डाला है, तो बटर डालने से इसका फ्लेवर और उभर कर आता है और बहुत ही टेस्टी लगता है। आप चाहो तो यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच घी भी ऐड कर सकते हो। अब यहाँ पर हमने 2 मीडियम साइज़ के उबले हुए आलू लिए हैं जिसे हमने कद्दूकस कर लिया है, इसे भी इस पैन में मिक्स करेंगे। अलग से मिक्स करने के लिए बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, तो इसे में मिक्स कर लेते हैं और पैन छोड़ने तक इसे हम कुक करेंगे, जब तक कि हमारा मिक्सचर पूरा अच्छी तरह से पैन ना छोड़ दे, एक डो बनकर तैयार ना हो जाए तब तक इसे हम तैयार करेंगे। तो ये देखिए पूरा पैन ये छोड़ चुका है अच्छी तरह से ये। अब यहाँ पर हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। ये देखिए पूरी अच्छी तरह से मिक्सचर रेडी है। यहाँ पर गैस का फ्लेम ऑफ करने के बाद यहाँ हम 1 बड़ा चम्मच नींबू का रस डालेंगे, इसे बहुत ही अच्छा फ्लेवर टेस्टी चटपटा सा आता है। चाहो तो आप यहाँ पे चाट मसाला भी डाल सकते हो और गरम मसाले भी डाल सकते हो, गरम मसाले से इसका फ्लेवर और भी अच्छा आएगा। हल्के से ठंडे हो चुके हैं, यहाँ पे हमने बारीक कटी हुई पुदीना की पत्ती और धनिया की पत्ती को काट कर डाला है, इससे इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। और मिक्स करने के बाद आप यहाँ पे टेस्ट भी कर सकते हो, अगर किसी चीज़ की कमी है मिर्च की कुछ चटपटा की तो आप इसमें यहाँ पे इस वक्त ऐड कर सकते हो, जैसे चाट मसाला हो सकता है, नींबू का रस हो सकता है। अब इसमें हम 2 छोटे चम्मच कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे, तो नहीं तो अरारोट का पाउडर जो भी है, तो 2 चम्मच हमने इसमें डाल दिया है। अब इनको भी अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेते हैं। आप चाहो तो इसमें चीज़ भी ऐड कर सकते हो ग्रेट करके, उससे भी इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा, तो डालना ना भूलें। चीज़ से भी इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा और निखर के आता है। ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाते हैं कॉर्नफ्लोर डालने के बाद, एक बाइंडिंग हो जाती है इसकी। तो इन सभी को हमने प्लेट में निकाल दिया है। इसमें जो मैंने नींबू का रस डाला है ना, इसे चटपटा बहुत फ्लेवर अच्छा आता है, तो ज़रूर डालें। मैंने इसे इस तरह से स्पैचुला की सहायता से इसे प्लेट में इस तरह से सेट कर लिया है, हल्का सा प्लेट को ग्रीस कर लिया था ताकि आसानी से निकल जाए। तो देखिए सेट ये हो चुका है बहुत अच्छी तरह से। अब इसे हम कट कर लेते हैं। मैं इसे फ्रिज में नहीं रख रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा जल्दी है, तो मैं सोच रही हूँ इसे जल्दी जल्दी फटाफट बना कर बच्चों को दूँ। तो इस तरह से हम चाकू की सहायता से इसे पीस करके काट लेते हैं। अगर आप इसे फ्रिज में
10 से 15 मिनट के लिए रख देते हैं तो ये अच्छी तरह से सेट हो जाएगा और बहुत ही अच्छी तरह से कटेंगे परफेक्ट साइज़ में। तो एक टिप याद रखें कि इसे फ्रिज में रख दें 10 मिनट के लिए तो अच्छी तरह से जम जाते हैं। तो मैं इसे इंस्टेंट ही काट रही हूँ, तुरंत प्लेट में डाला, सेट किया और इसे काट रही हूँ। तो आप देख सकते हो, आप ये इसे तुरंत भी आप बना सकते हो, फ्रिज में रखने की भी ज़रूरत नहीं और अच्छे से ये सेट भी हो जाते हैं। कुछ मैंने लंबाई में रखे हैं और कुछ चौकोर में रखे हैं, तो ये आप अपने अनुसार इसे कट कर ले शेप में। ये आसानी से बाहर निकल आते हैं। अभी ये देखिए, उंगली की सहायता से इसे शेप दे दें अच्छी तरह। सभी को हम इसी तरह से बाहर निकाल लेते हैं। आप चाहो तो इस तरह से सेट करके फ्रिज में रखते हैं और जब मन चाहे जब इसे फ्राई करके खा सकते हैं। आप इसे 2 से 3 दिन तक स्टोर कर सकते हैं एयरटाइट कंटेनर में। तेल गरम हो चुका है और इसे हम फ्राई कर लेते हैं। ज़्यादा तेल हमने यहाँ पे नहीं डाला है, तो मैं यहाँ इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पे फ्राई करूँगी। चलिए इसे हम फटाफट पलट देते हैं, थोड़ी सी सावधानी से इसे पलटें। ये देखिए, अच्छा से क्रिस्पी हो गए हैं ये। इसे पलटते जाएंगे, सभी को पलट देते हैं, दोनों तरफ लाल कर लेते हैं इसे। ये देखिए, बिल्कुल क्रिस्पी से गोल्डन ब्राउन ये हो चुके हैं। इसे अब हम बाहर निकाल लेते हैं। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और लाजवाब लगते हैं, तो इसे ज़रूर बनाएं। सभी को बाहर निकाल लेते हैं और बाकी के जो बचे हैं उसे भी हम फ्राई कर लेंगे। मैंने सारे फ्राई कर लिए हैं इसे और इसे मैंने शेजवान सॉस के साथ सर्व किया है इस तरह से। तो इसे आप अपने बच्चों को दें शाम की चाय के साथ, खुद के लिए तो बहुत ही टेस्टी लगेंगी और जल्दी बन कर तैयार भी हो जाएंगी। तोड़ कर मैं दिखाती हूँ इसे। ये देखिए, अंदर से बहुत ही टेस्टी लग रही है। तो ज़रूर बनाएं और अपने कमेंट्स ज़रूर शेयर करें कि रेसिपी आपको कैसी लगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।